चौपाई है कि ढोल गवार शुद्ध पशु नारी ताड़ है, इसको बेहद भी क्या हमेशा ये बात लागू नहीं होती है। और ये बात किसी मनुष्य ने लिखी है या भगवान ने कही है? मनुष्य ने कही। मनुष्यों की बात आधी सच्ची होती है और आधी झूठी होती है। ढोल माने जानवर, ये तो ठीक बात है कि जो जानवर बुद्धि होते हैं वो कहने से नहीं मानते, उनसे प्यार से कोई बात कही जाए तो जानवर प्यार की भाषा समझेगा क्या? नहीं समझेगा। ऐसे बहुत से ब्राह्मण हैं जो बाबा के प्यार की भाषा को नहीं समझते हैं। तो धर्मराज के झंडे उनको समझाते हैं, ताड़ना होती है, ताड़ना माने पिटाई। ढोल गंवार बिना पढ़े लिखे शूद्र जो विचारी होते हैं, कौन बहन है, कौन बेटी है, कौन माँ है, कौन भांजी है, इस बात का भी ख्याल नहीं रखते हैं। ऐसे विचारी शूद्र, उनकी बुद्धि विचारी हो जाती है, वो अगर प्योर परमात्मा बाप की वाणी को नहीं समझ सकते, उनको शूद्र कहा जाता है। पशु हिंसक प्राणी जिनके लिए पशुपति नाथ भी आए, और नारी का नाम भी ले लिया। आज से 500 साल पहले तुलसीदास ने रामायण लिखी थी, और 500 साल पहले नारी का मर्तबा बहुत नीचे गिर चुका था। नारियों को गिराने वाले भी पुरुष हैं, उनको ये याद ही नहीं रहा कि नारी का मान मर्तबा बढ़ाने वाला भगवान है। जो पुरुष होते हैं कलयुग और द्वापर में, वो तो सब दुर्योधन दुशासन बन जाते हैं। नारी का मर्तबा बजाय बढ़ाने के और ही उनको मुट्ठी में करने की चेष्टा करते हैं, इसलिए ये शब्द उन्होंने गलत लगा दिए। नारी ताड़ना की अधिकारी नहीं है। नारी में जितना स्नेह और प्यार भरा होता है, उतना स्नेह और प्यार पुरुषों में नहीं हो सकता। अगर होता तो बच्चों की पालना करते, बच्चे पैदा होते हैं, नारी ही उनकी पालना में सक्षम है। जो सहन शक्ति नारी में होती है वो पुरुष में कभी नहीं हो सकती, इसलिए ये वाक्य ये शब्द जो ऐड किया है वो पुरुष तुलसीदास ने ऐड कर दिया।
की सारी चौपाई सच्ची नहीं कही जा सकती। भगवान को आकर के नारियों के द्वारा ही स्वर्ग बनाता है, पुरुषों को तो कंडम कर दिया। दुर्योधन दुशासन सीधा बताई दिया, ये नहीं स्वर्ग का द्वार खोल सकते। कन्याओं माताओं में वो स्नेह फिर भी भरा हुआ है, वो त्याग तपस्या और सहनशीलता के आधार पर स्वर्ग के गेट खोलने के निमित्त बनती है।